हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं मैनेजमेंट अकाउंट का BBIP क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट यदि वास्तव में पढ़ाई करना चाहता है तो ऐप हमारा डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या ऐप आप प्ले स्टोर में जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस। तो मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाला हूँ मैनेजमेंट अकाउंट, इसको कहते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन में सबसे पहला आपको जानकारी होनी चाहिए प्रबंधकीय लेखांकन से आशय, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, प्रबंधकीय लेखांकन से आशय। अब आशय में जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपने इसके पहले वित्तीय लेखांकन पढ़ा, लागत लेखांकन पढ़ा, आपने कॉरपोरेट अकाउंट पढ़ा। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंट क्यों पढ़ते हैं तो ध्यान देना, प्रबंधकीय लेखांकन में क्या किया जाता है, जो मैनेजमेंट अकाउंट में, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़े रहते हैं, उसका एनालिसिस यहाँ किया जाता है, उसका विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, उस विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया जाता है, प्लान बनाया जाता है और दिशा निर्देश संस्था को दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है, ये पहला टॉपिक है, याद रखना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर में आया है, सिर्फ आपको इसका उत्तर लिखना रहेगा, बस याद रखिएगा। और इसमें अगर छोटे क्वेश्चन में आएगा तो यही इतना आएगा, अगर बड़े क्वेश्चन में आएगा तो इसकी विशेषताएं पूछेगा। विशेषताओं को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या फीचर। ठीक है, ठीक है, फीचर पेपर में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कला व विज्ञान दोनों होता है, अकाउंटिंग सर्विस होता है, तो इसका उत्तर तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको तैयार कर लेना है कार्य, वर्क। ध्यान दीजिएगा, इसके कार्य क्या होते हैं, इसको फंक्शन बोला जाता है। फंक्शन का मतलब प्रबंधकीय लेखांकन के कार्य। इसको आराम से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हमारी वीडियो YouTube पर भी अपलोड हो सकती हैं इसका आंसर। ठीक है, इसका महत्व, ठीक है, इम्पोर्टेंस, इस चीज़ को आप तैयार कर लीजिएगा, इस बात को फोकस करिएगा। गारंटी दे रहा हूँ कम से कम न्यूनतम इसी इतने से 10 से 20 नंबर आएगा पेपर में, लिख लेना, 1-10 नंबर आपका कंप्लीट करा दिया। जान लीजिए, बता दिया है, पढ़ना है आपको, लिखना है आपको, हमारा काम बताना है, क्योंकि पूरी पढ़ाई के लिए वीडियो लंबी चौड़ी बनेगी, मैं छोटा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है आगे, चलिए आगे आपको तैयार करना है हमारी तरफ से रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लेना पेपर में, हमारे पास इस चैप्टर के सवाल पूरा उपलब्ध है, चाहे डॉक्टर बी के मेहता की सवाल पढ़ो, चाहे डॉक्टर KL गुप्ता की सवाल पढ़ो, ये दोनों लेखक मशहूर हैं। ठीक है, BK मेहता हो चाहे KL गुप्ता जी हो, ये भैया एक सवाल इस चैप्टर से आएगा, यानी कि एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए 100% आएगा। रोकड़ प्रवाह का मतलब, कैश फ्लो का मतलब, बिजनेस में कैश का आना और कैश का जाना इसमें पढ़ा जाता है, कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है और कहाँ कहाँ को कैश जा रहा है। कैश फ्लो का मतलब सीधा सीधा होता है कि कैश का आना और कैश का जाना, रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना। ठीक है, और इसके अंतर्गत ध्यान देना है, तीन प्रक्रियाएं होती हैं, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, जिसको फाइनेंशियल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, सवाल आएगा, अब आपको फिर मैं बता रहा हूँ, 100% आएगा, याद रखिएगा, सवाल तो आएगा ही, थ्योरी पूछेगा तो क्या पूछेगा, इसका नियम पूछ लेगा कि कैसे तैयार किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण अगला है, इसके अंदर क्या बोला मैंने, विनियोग क्रिया, वित्तीय क्रिया,
परिचालन पहला होता है, दूसरा विनियोग होता है, तीसरा वित्तीय होता है। तीनों में क्या क्या आते हैं? मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था तो यही क्वेश्चन पूछ लिए थे हमसे मास्टर साहब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट इसको बोलते हैं कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण किसको कहते हैं याद रखिएगा। आशय, आशय का मतलब यहाँ पर मीनिंग आपको तैयार होनी चाहिए। कोष का आना, इसमें कैश का आना था, इसमें कोष का आना, कैश और कोष में अंतर होता है याद रखिएगा। कैश में क्या होता है, पैसे की बात होती है, सिर्फ कैश की बात होती है। कहाँ कहाँ से आ रहा है, तीन क्रियाएँ होती हैं। कोष का मतलब, फंड का मतलब पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, पैसा आएगा शेयर, इसमें क्या होता है कैश इनफ्लो होता है, इनफ्लो होता है, और इसमें क्या होता है आउटफ्लो होता है। इनफ्लो किसे बोलते हैं, आउटफ्लो किसको बोलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब हमारी वीडियो जो लोग लिए हैं, हमारा कोर्स जो लोग लिए हैं, पहला ही वीडियो पढ़ेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से बताया है मैंने। ठीक है, पहले ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, पहला दूसरा तीसरा जो पढ़ ले काम हो जाए उसका आधा ज़्यादा यहीं पर। इसमें क्या होता है, इसमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनता है, क्या बनता है वर्किंग कैपिटल बनता है इसमें, इसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनता है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आपका काम है पढ़ना, और ये भी अंतर्वाह वाह बहिर्वाह, ठीक है, इसको बोला जाता है। सवाल 100% पूछेगा दोनों चैप्टर से, और कम से कम 20-20 नंबर पूछेगा। पेपर मिला लीजिएगा, पेपर देने के बाद आइएगा तो हमको बता सकते हैं पूछा गया कि नहीं पूछा गया, कि हमने गलत बताया। हम बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं स्टूडेंट को। और आपको मैं बता दूं, अगला क्वेश्चन अनुपात विश्लेषण से आशय, इसको क्या बोलते हैं रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण से आता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, और अनुपात विश्लेषण के आशय में केवल आशय आप तैयार करिएगा। इसमें मैं आपको बता दूं सवाल पूछता है, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, जिसे लाभदायक तक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए पूछ लेता है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए पूछ लेता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, ये सारे चैप्टर, और तरल अनुपात, लिक्विड रेशियो, करंट असेट्स रेशियो, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। पूरा चैप्टर है हमारे पास डॉक्टर बी के मेहता का भी और डॉक्टर के एल गुप्ता का भी, मतलब न्यूमेरिकल है। मैं अपना प्रचार भी कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट को पसंद आएगा वे लोग पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, डॉक्टर के एल गुप्ता और अनुपात विश्लेषण की सवाल आती है, एक आशय जरूर पूछेगा, याद रखना हमारी बात को। और वित्तीय विवरण से आशय ध्यान दीजिएगा, वित्तीय विवरण से आशय, वित्तीय विवरण का मतलब होता है, वित्तीय विवरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आता है, ठीक है, बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो, फंड फ्लो। वित्तीय विवरण का मतलब होता है साल भर में एक बार बनाया जाता है, जिससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी मिलती है, लाभ हानि का निर्धारण होता है इससे, ये होता है वित्तीय विवरण। ठीक है, क्या बनता है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस वगैरह किया जाता है इसको तैयार कर लेने का। ठीक है, पेपर में पूछ लेगा वित्तीय, और सवाल भी पूछता है याद रखना, चैप्टर पूरा बनाया गया है, वित्तीय विवरण विश्लेषण से आशय, वित्तीय विवरण का एनालिसिस करना किसे कहते हैं, निर्वचन करना किसे कहते हैं, ये चीज़ आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, सामग्री नियंत्रण क्या है, सामग्री का नियंत्रण कैसे किया जाता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये मुख्य चैप्टर है पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो ऑनर्स का पेपर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे सम विच्छेद बिंदु एक चैप्टर होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, सारे सिलेबस देखो ये इतना पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बुक में दिया गया है। ठीक है, और जैसे हम अपनी तरफ से बता रहे हैं तो आपके यहाँ सिलेबस में चैप्टर होगा तभी देखिएगा आगे। अब आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं, जैसे चैप्टर होता है प्रमाप लागत क्या है ना, प्रमाप लागत से आशय क्या है,
अवशोषण लागत क्या है। इस सिलेबस में पूर्णिया वाले में नहीं है और जगह पर हो सकता है, सिलेबस होना चाहिए आपके पास। नहीं पता सिलेबस है नहीं, किताबें कापी नहीं, कैसे पढ़ोगे? याद रखना किताब सम विच्छेद बिंदु बिंदु क्या है, ऐसा बिंदु जहाँ पर कंपनी को ना तो लाभ हो, संस्था को ना तो लाभ हो ना तो घाटा हो, ठीक है। लाभ मात्रा अनुपात क्या है, ठीक है, लाभ मात्रा अनुपात क्या होता है, ठीक है। समविच्छेद बिंदु से, जहाँ समविच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर में होगा वहाँ पर ही पूछा जाएगा। बजटरी नियंत्रण क्या होता है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्बेशन कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बजटरी कंट्रोल इसको बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप तैयार कर लेंगे। बाकी चैप्टर तो बहुत सारे दिए हैं लेकिन सब आपके सिलेबस में नहीं है। शून्य आधारित बजट, बजट क्या होता है, ठीक है। जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें पुणे यूनिवर्सिटी में नहीं है और जन अन्य यूनिवर्सिटी में आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से सवाल पूछता है ब्रेक इवन पॉइंट वाले चैप्टर से, बाकी से सवाल पूछने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कैश फ्लो फंड फ्लो तो पक्का याद होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा हमारी।